नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जून 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे आंसर लिखना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद उसके बाद हम लोग इसकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स यानी द्वितीयक सामयिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको कम्प्लीट कर लेना है। सेकेंड में क्या है, साहित्य खोज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर सर्च। दोस्तों ये लिटरेचर सर्च क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंड CAS का फुल फॉर्म होता है करेंट अवेयरनेस सर्विस। कभी कभी एग्जाम में CAS भी लिखा हुआ रहेगा या फिर करेंट अवेयरनेस सर्विस। तो इस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको पढ़ाई कर लेनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, नीड ऑफ मार्केटिंग इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो कई बार पूछा गया और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्शरी सोर्स। दोस्तों ये तीनों आपको पढ़ाई कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लॉन्ग में अगर प्राइमरी पूछ दिया जाता है तो शॉर्ट में सेकेंडरी या टर्शरी सोर्स भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको तीनों पढ़ाई कर लेनी है। फिफ्थ नंबर में क्या है, ह्यूमन सोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पे मैं सोर्स का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूँ, चलिए उसे सुधार लेंगे आप। नेक्स्ट क्या दोस्तों, सिक्स में लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन प्रोग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि 2016 या 17 के आसपास पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मैं लिया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अगर आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे ताकि मैं उसका PDF टेलीग्राम चैनल में सेंड कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसका PDF आपको ज़रूर सेंड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, सेवन्थ नंबर में क्या है, ट्रेड लिटरेचर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेड लिटरेचर अलग है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो अलग है। ठीक है, इसे आप एक में ना समझें। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नाइन नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लें। ठीक है, बिब्लियोग्राफी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिब्लियोग्राफी आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी है। बिब्लियोग्राफी का हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है ग्रंथ सूची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है, एक बिब्लियोग्राफी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। टेन नंबर में क्या है, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप एक बार पढ़ाई कर लें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफरेंस सर्विस। ध्यान देंगे रिफरेंस सर्विस आपको पढ़ाई कर लेनी है और उसमें वर्चुअल रिफरेंस सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप दोनों पढ़ाई कर लेंगे। एंड यूजर एजुकेशन, दोस्तों यूजर एजुकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यूजर एजुकेशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो 222 के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं बना चुका हूँ। 12th नंबर में क्या है, रिफरेंस बुक। दोस्तों रिफरेंस बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिफरेंस बुक भी शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो आपको कंप्लीट पढ़ाई कर लेनी है। आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सारा आंसर आपको मिल जाएगा, या तो आप इग्नू के अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप शायद इग्नू के बुक पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी गाइड अवेलेबल है मार्केट में उससे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल में वर्धमान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी का बुक हिंदी मीडियम में अपलोड कर चुका हूं, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा उसमें आप लोगों को क्या समस्या आएगी कि आपको ये उसमें डायरेक्ट 222 नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देंगे वहाँ पे बुक का नाम, सॉरी टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि मैं 221 की बात करूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है शायद पुस्तकालय सूचना समाज, तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 221 में आपने क्या पढ़ाई कर रहा है इग्नू में, डायरेक्ट एग्जैक्ट आपको वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा BLIS 221। तो अगर ऐसे कुछ भी डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मीडिया फाइल में जाके वहाँ पे एक एक बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा बुक मैं ऑलरेडी पिछले 6 महीने पहले ही अपलोड सॉरी वहाँ पे सेंड कर चुका हूँ। ठीक है,
और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ, तो वहाँ पर मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए पार्ट टू यानी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि जो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और जो मैंने लॉन्ग में बताया वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर पूरी तरीके से करके जाना है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए या तो वो शॉर्ट हो या लॉन्ग, तो आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का, मोनोग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंसाइक्लोपीडिया। देखिए इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, ठीक है, इस पर भी ये ऑलरेडी आपको इग्नू के बुक में भी मिल जाएंगे और वर्धमान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के बुक में भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड नंबर में क्या है, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, ये अलग है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेब बेस्ड सर्विस भी आपको पढ़ाई कर लेनी है। थर्ड नंबर क्या है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर में क्या है, ईयरबुक एंड एलिमिनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ईयरबुक आपको पता ही होगा, पंचांग और वार्षिकी कहते हैं, ठीक है, जैसे आपने करंट अफेयर का आप एक मनोरमा बुक पढ़ते होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो सब ईयरबुक में आता है, ठीक है, जिसमें आप मनोरमा बुक अगर आपको नॉलेज होगा तो उसमें देखेंगे कि 2021 या 2020 लिखा रहता है, मतलब क्या होता है, वो साल में एक बार पब्लिश होता है, तो हम लोग वार्षिकी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अभी क्लास नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी मैं क्लास लूँगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, और शायद मैं इस पर भी एक बार आप 222 के प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है, शायद मैं अपलोड कर चुका हूँगा। उसके बाद क्या है, आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, इसे भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रलेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पर शायद वीडियो ऑलरेडी 222 के प्ले लिस्ट में आप देखेंगे जाके, वहाँ पे मैं शायद बना चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से क्लास नहीं ले पाया हूँ थोड़ा कुछ कारण के होने की वजह से, लेकिन मैं कोशिश अब करूँगा कि जितना जल्द हो सके क्लास स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सिक्स नंबर में क्या है, वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन सर्विस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ नंबर में क्या है, एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड एंड करेंट इन्फॉर्मेशन नीड, दोस्तों इस पर डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं या इंडिविजुअल किसी एक एक का डिफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पढ़ाई कर लेनी है, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप बिना पढ़ाई किए भी अगर ये लिखना चाहें कि एवरीडे इन्फॉर्मेशन की क्या आवश्यकता होती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आसानी से खुद से भी लिख सकते हैं। दोस्तों 221 की अगर हम बात करें या 222 में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने सेंस से भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, और उसमें मार्क्स भी मिल जाएंगे और मिलते भी हैं दोस्तों, ठीक है। एट नंबर में क्या है, मार्केटिंग लाइब्रेरी सर्विस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब क्या कि इसे आपको कंप्लीट पढ़ाई कर लेनी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं यही कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी ये वीडियो को ख़त्म कर दूँ। देखिए आपको सारा क्वेश्चन को लिख के एक कॉपी में आंसर लिख लेना, और उसे आपको बार बार पढ़ना है, और एक दो बार आप लिख के भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जिनका हैबिट छूट चुका है लिखने में, तो उन्हें 3 घंटे के एग्जाम में 500 वर्ड्स में 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस एक दो बार ज़रूर कर लें, आपका हैबिट बना रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये फर्स्ट बात होगी। दूसरी बात कि दोस्तों देखिए, आप इस बार की मैं बात करूँ तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट, आप अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो डिस्कस चैनल है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 9 पेपर काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बहुत कम टाइम में क्लियर कर चुके हैं, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि BLIS या लाइब्रेरी साइंस कोई बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, बहुत सारे लोग आप टेलीग्राम चैनल में खुद से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले क्लियर हो चुका है, तो वो लोग क्या कि फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम दे के टोटल 9 पेपर क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से अभी भी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो भी आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती है, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो मैं वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है।
आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके नॉलेज में जितने भी लाइब्रेरी साइंस के ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का धन्यवाद।